अरे शबाना, मैंने तो सोच लिया अब के तुम्हारे घर की कैरियों का अचार डालूंगी। आए हाय, कैरियां बची कहां, पक्के तो सारे आम हो गए। खट्टे तो हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ गई मेरी बेटी झिलमिलाती हुई। तबीयत कैसी है आपकी अम्मी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अरे खालिद नजर नहीं आ रहा? खालिद यहीं पास में ही गया है सब्जी लेने के लिए। अम्मी कितनी बार मना किया है ना खालिद को मत भेजा करें आप। अरे मैं आती तो ले आती सब्जी, वो दो कदम भी चलता है तो सांस फूलने लगती है उसकी। अरे खालिद पास ही में तो गया है, आ जाएगा, फिक्र नहीं कर। और खाला आके बैठी हुई है, कम से कम इनको तो सलाम कर ले, कब से तेरा पूछ रही है। अरे अम्मी मैंने तो आती इज्तिमाई सलाम किया था। क्यों खाला, चलें फिर कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी तबीयत है, घुटनों का दर्द ठीक है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा ये घुटनों के दर्द का मत पूछ, ये तो अब कब्र तक साथ जाएगा। क्यों दवा नहीं ले रही आप? अरे बेटा इस उम्र में दवा से कहाँ फाका होता है, देख रेख से होता है, और मेरी देख रेख कौन करे। मेरा तो बेटा और बेटी कमबख्त ऐसे मोबाइल में गुम होते हैं कि मुझे होश भी नहीं होता। शबाना तो खुश नसीब है, तुझे हानिया जैसी बेटी मिली जो नौकरी करके घर भी चला रही है, तुझे और खालिद को भी संभाल रही है। अरे क्या बताऊं बहन, जब से तुम्हारे बहनोई नूर नबी का इंतकाल हुआ तो समझ लो मेरे सर पे तो छत गिर गई। और जब से ये पता चला कि मेरे खालिद को दम्मे का मर्ज है, हाय मैं तो जीते जी मर गई। अरे फिर मेरी बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हुई और हम मुल्तान से कराची आ गए। फिर तो अल्लाह ने हमारा ऐसा हाथ पकड़ा कि बस। मेरी तो दुआ है अल्लाह हानिया जैसी बेटी सबको दे, वरना हमारी यहाँ तो ये कहावत है, थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे ये औरत जात। मैं इन कहावतों को नहीं मानती। अरे ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है बेटा। वैसे कहाँ नौकरी कर रही है वो? खाला मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही हूँ एज अ रिसेप्शनिस्ट। चाय बनाकर ले आऊँ आपके लिए? अरे नहीं बेटा तुम भी थकी हुई कहाँ। लो भाई खालिद भी आ गया, अब तो खाला चाय के साथ पकौड़े तल के लाती हूँ, बस दो मिनट में। मम्मी वो सब्जियाँ मैंने किचन में रख दी है। ला मेरे बचे हुए पैसे वापस कर। हाँ हाँ दे रहा हूँ, जल्दी। मसला क्या है आपके साथ, क्यों पीछा कर रहे हैं मेरा? लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं तो बस आपसे। देखें यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ। आपसे एक ही दरख्वास्त है कि खुदारा मेरा पीछा करना छोड़ दें। देखिए मैं कोई आवारा किस्म का लड़का नहीं, पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। बात इतनी है कि पहली नजर में आप मेरे दिल में उतर गई हैं। आप चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि गरीब खानदान की लड़की, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है और घर में बूढ़ी माँ और बीमार भाई है। अभी नौकरी लगी है जिससे मैं उनकी कफालत कर रही हूँ। अगर मेरे दामन पे कोई दाग लग गया ना तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ये नौकरी में छूट जाए। ना मैं आपको बदनाम करना चाहता हूँ और ना किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का ख्वाहिशमंद हूँ, मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती? आप ये झूठे दिलासे किसको दे रहे हैं? हमारे मुआशरे में लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। अगर आप वाकई मेरी इज्जत करते हैं और दिल से पसंद करते हैं तो मेरे घर में रिश्ता लेकर आए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते ना तो यूं रोडों पर तमाशा लगाना छोड़ दें।
जी सर। सर वो मास्टर भाई, सर वो तो वांटेड है। जी जी सर, सर मैं अभी पहुंचू। और जानती हो अम्मी को तुम इतनी पसंद आई हो कि अम्मी तो बेचैन हो रही है तुम्हारे घर आने के लिए। मैं कह रही है कि बस कल ही जाके तुम्हारी सादगी से मंगनी कर दूंगी। मंगनी? लेकिन अशरफ, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, मंगनी का खर्चा इतनी जल्दी नहीं उठा सकते। हानिया, कोई फजूल खर्च करने की जरूरत नहीं है। अम्मी और मैं आएंगे बस, और कोई नहीं होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी अशरफ के आप जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे जीत जान से चाहेगा। खुदा करे कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए। खुदा ना करे ऐसा हो आने। और हानिया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा। हानिया, जानती हो तुम, मैं तुमसे बेपना मोहब्बत करता हूँ और मुझे लगता है कि अब तक तो तुम मेरी मोहब्बत को समझ गई होगी। मैं जानती हूँ, बल्कि मुझे तो अपनी किस्मत पर रश्क आता है। खैर, आप ये बताएं कि आज थाने के नंबर से क्यों फोन कर रहे हैं? जी सर, आया सर। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाएं अगर बॉस बुला रहे हो तो। अल्लाह हाफिज़। सर, कल तक तो अपने एनकाउंटर के किस्से बड़े मजे ले लेकर सुनाया करते थे, ये अचानक काय कैसे पलट गई? कहीं मोहब्बत का चक्कर तो नहीं है? हाँ यार, मोहब्बत हो गई है मुझे। एक लड़की है हानिया, बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़े, इनका अपना एनकाउंटर हो गया है। फिर क्या इरादा है सर? इरादा तो शादी का है और दो तीन बार अम्मी से मिलवा भी चुका हूँ। वो जल्द मंगनी करने वाले हैं। क्या तू उस लड़की से मंगनी कर रहा है? जानता है तू उसे अच्छी तरह से? तो मंगनी करना जुर्म है, और तुम्हें इतना एतराज क्यों हो रहा है इस पर? देख यार अशरफ, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन तू अभी सही से नहीं जानता उसको। इसलिए देख, तू शहर में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मशहूर है, हो सकता है तेरी किसी दुश्मन की चाल हो तुझे फंसाने के लिए। शायद बस एक लफ्ज मुंह से मत निकालना अपने। तुम सर सवाल है अपने आप को। जाहिद सर, शादी पे तो सब जिंदगी का हिस्सा है। बहुत अफसोस हुआ अशरफ, जुमा 8 दिन हुए तू उस लड़की को जानता है, उसकी खातिर तूने आज अपने दोस्त के गिरेबान पे हाथ डाला। बहुत दुख हुआ। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ले खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। ले बेटा, ये मेरी सास की अंगूठी है। मेरी बहू का ख्याल रखिएगा, बहुत प्यारी लग रही है आज, बिल्कुल पटवीजना लग रही है। पटवीजना? ये क्या होता है? ये बहन इतनी नन्ही तो हो नहीं, तुम्हें नहीं पता इसका मतलब? पटवीजना कहते हैं जुगनू को। चमक नहीं रही मेरी बहू जुगनू की तरह? अच्छा अच्छा, आते रहिएगा आप लोग, अब तो आप ही का घर है और ये आप ही की बेटी है। बेटा अपना ही घर समझना। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह में खुश रखे दोनों को। अच्छी लग रही है। हेलो, हाँ राहिल। हाँ अच्छा राहिल, तुम बाहर हो ना, एक काम करना, अम्मी को घर लेते हुए जाना, मुझे जरूरी काम से जाना। अल्लाह हाफिज़। अम्मी
मुझे जरूरी काम से जाना, राहिल बाहर है, उसके साथ घर चले जाएंगे। चलो बेटा आज तो रहने देते, हमारे साथ ही जाना था घर मुझे। बुरा नहीं मानिएगा, आखिर में पुलिस वाला है ना कोई काम आ ही जाता है, कब आ जाए कुछ पता नहीं होता। अच्छा हमारी बहू का ख्याल रखिए। जी जी, अल्लाह मुबारक करे। अरे आ गया तू, कब से तुझे फोन लगा रही हूँ, मगर तेरा फोन तो मुसलसल बन जा रहा है। फोन बन जा रहा है? हाँ वो अम्मी बैटरी लो हो गई थी। लेकिन आप अब तक क्यों नहीं सोई? अभी सोने ही लगी थी कि वो जाहिद की कॉल आ गई, कह रहा था कि SHO साहब ने अशरफ को बुलाया है, कोई फायरिंग का वाकया है, बुला रहे हैं वो तुझे। फायरिंग का वाकया? ओहो अम्मी मुझे आने में देर हो जाएगी, आप सो जाएगा, अल्लाह हाफिज़। बेटा अपना ख्याल रखना, सो ही तो नहीं सकते इस कराची में। लो भैया फिर चली गई, अल्लाह गौरत करे, ना किसी बीमार का ख्याल है ना किसी आजार का, पता नहीं बटन पे किसको बिठाया हुआ है कमबख्तों ने, बिल भेज देंगे इतने बड़े बड़े, किसी के घर में देने वाला है नहीं है। जब देखो जब गारत, जब देखो जब गारत। सर एक लेडीज और एक जेंट्स है और काफी सारी बुलेट फायर हुई है। सर तुम कहां रह गए थे और ये जाहिद कहां है? सर जाहिद का नहीं पता सर, दरअसल मेरा मोबाइल फोन बंद। ठीक है ठीक है, ये एक घंटे पहले का वाकया है। जी सर। और दो लोग मारे गए हैं। इर्द गिर्द के लोगों का कहना है कि दो मुजरमान मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने फायरिंग की, क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे इसलिए उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी। तुम ऐसा करो कि जरा चेकिंग तो करो। ये सब देखता हूँ। अच्छी तरह चेक करना। अशरफ, अशरफ क्या कर रहे हो तुम? हमें पता है कि एविडेंस जाया हो जाएंगे। ये आनिया, आनिया क्या हो गया ये? आनिया अशरफ तुम इस लड़की को जानते हो? सर ये मेरी मंगेतर है सर, और हमारी आज ही मंगनी हुई है, कुछ घंटे पहले इसे घर छोड़कर आया हूँ मैं। इस आदमी के बारे में पता है? मुझे बताओ कि अनिया इसके साथ इस गाड़ी में कैसे आई? सर मैं इस आदमी को नहीं जानता, और सर मैं ये भी नहीं जानता कि अनिया यहाँ कैसे आई। क्या हो गया अनिया? सर लड़की के हाथ में अंगूठी तो नहीं है? क्या अंगूठी नहीं है? तुम ऐसा करो कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। और तारिक सर पूरी गाड़ी की अच्छी तरह तलाशी लो, कोई आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई और डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। जी बेहतर है सर। अशरफ तुम्हें अनिया के घर के बारे में पता है कहाँ पे? अशरफ मैं पूछ रहा हूँ ये अनिया कहाँ रहती है? सर अनिया नॉर्थ कराची में रहती। सर मैं आपको ले चलता हूँ उसके घर से। नहीं अशरफ नहीं, अभी तुम घर जाओ, जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। ठीक है अभी तुम घर जाओ। शाबाश घर जाओ तुम। तारिक सर एम्बुलेंस बुलाओ ना यार, लाशों को भेजवाओ। हमें आपके दुख का अंदाजा है, लेकिन असल मुलजमान तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद दरकार है। आप ये बताएं कि अनिया उस कार तक पहुंची कैसे? अभी कल ही तो उसकी मंगनी हुई थी। दरअसल
तकरीबी वहां से बच्चे की हालत खराब हो गई थी, इसको दवाई का मर्ज है और वो दवा लेने गई थी, आ रही है और ये मोबाइल लॉकडाउन की वजह से ये मेडिकल स्टोर बंद था, उसे थोड़ा आगे अस्पताल तक जाना पड़ा। फिर मेरी बच्ची लौट के नहीं आई। मेरी बच्ची। आप दोनों में से इस शख्स को कुछ जानता है? नहीं, इसे तो हम नहीं जानते। कौन है ये और इसे क्या हुआ? इस शख्स की गाड़ी से हमें आनिया की लाश मिली। हमें शक है कि मुंजमान का असल टारगेट यही शख्स था। आनिया चूंकि इस शख्स के साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, इसलिए वो उनकी फायरिंग की लपेट में आ गई। वैसे आनिया को अगवा नहीं किया गया, ना तो उसके हाथ बंधे हुए थे और ना मुंह बंधा हुआ था और ना ही उसके जिस्म पर कोई मजामत के निशानात थे। आप ये बताएं कि आपको किसी पर शक हो या हानिया की किसी के साथ दुश्मनी हो जिसने उसे कत्ल किया हो? नहीं नहीं, अरे भला हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? हम तो जीने की जद्दोजहद कर रहे थे, अब तो वो भी नहीं हो सकती मेरी बच्ची। एक शख्स सर, एक शख्स ये सब कर सकता है, अशरफ वो ये सब कर सकता है। सब इंस्पेक्टर अशरफ जी, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो और एक पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हो? अरे तू ये क्या कह रहा है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो ऐसा नहीं कर सकता। अरे अभी कल तो मेरी बच्ची की उससे मंगनी हुई थी, वो तो उससे बहुत मोहब्बत करता था। हाँ करता था मोहब्बत, लेकिन अगर मोहब्बत के बीच शक का बीज गिर जाए तो वो जहर बन जाती है। सर अशरफ भाई बहुत शक्की है और वो कुछ टाइम पहले यहाँ आए थे और मेरी बहन को बहुत धमकियाँ दे रहे थे, बहुत गुस्से में थे वो। कौन है हानिया? वो मुझे बताओ कौन है वो, क्योंकि तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा उससे। कौन आदमी, कैसा अफेयर अशरफ, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं तुम्हें। मुझे फोन आया था उसका, बकवास कर रहा था कि तुम सिर्फ उसकी हो। आनिया मुझे मजबूर मत करो, बताओ कौन है वो। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे, ये तुम्हारे मेरी जात पर? अशरफ अगर हमारे रिश्ते में इतना ही भरोसा है ना तो चलाओ मार दो मुझे, मगर एक दरख्वास्त है, मुझे बेवफा मत कहना। मैं बेवफा नहीं हूं। कौन हो सकता है, कौन हो सकता है वो? हो सकता है तुम्हारा कोई जानी दुश्मन हो, कोई हासिद जो तुम्हें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करना चाहता हो। सोचो। हो सकता हानिया तो मेरा कोई दुश्मन है, लेकिन वो जो कोई भी है बचेगा नहीं मेरे हाथ से। एक बार मंगनी की तकलीफ निमट जाने दो, मैं खुद ढूंढूंगा उसे और उसका एनकाउंटर करूंगा। लेकिन हानिया एक बात याद रखना, तुम मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और अपने जीते जी मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, याद रखना। सर अशरफ गुस्से का बहुत तेज आदमी है, सर दो बार पहले भी मुअत्तल हो चुका है। कुछ दिन पहले उसकी जायद नामी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई थी, ये ऐसे लगता है कि असद और रिकाबत का कोई मसला लगता है। मुमकिन है, मगर फिलहाल ये मफरूजा है। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा मुकदमा दर्ज कराने के लिए। सर मैं चलूंगा आपके साथ। सर चले। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी
कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाकई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाकई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ले अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफा 302 के तहत उसे सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मिलेगी। जी सर, मैं गया था हानिया से मिलने। सर ये भी सच है कि मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन सर मेरा गुस्सा बेसबब नहीं था। सर मुझे चंद रोज पहले किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आई थी। प्राइवेट नंबर कौन हो सकते है? हेलो, कौन? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ वो अहम है। हानिया का पीछा छोड़ दो, वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं कौन बोल रहा है, सामने आकर बात कर। जानता है ना किससे बात कर रहा है? सामने आएगा तेरा भी इनकाउंटर कर दूंगा मैं। सामने ही हूँ मगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, और मैं कौन हूँ ये तुम्हें हानिया ही बताएगी। जाओ पूछो उससे जाकर, जाओ। हेलो हेलो। सर सोचा तो यही था कि उसे ढूंढ कर उसकी हड्डी पसली एक कर दूं, लेकिन चंद रोज बाद मेरी मम्मी थी। मम्मी के कुछ घंटे बाद किसी ने हानिया को कत्ल कर दिया। सर सर ये झूठ बोल रहे हैं। सर जो अपनी महबूबा पर पिस्तौल तान सकता है वो उस पर गोली भी चला सकता है। सर मुझे तो लगता है कि कत्ल इन्होंने किया है। तेरा दिमाग तो ठीक है, अगर अब एक अल्फाज भी बोला तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं। अशरफ अशरफ बिहेव योरसेल्फ। तुम किसी गैंगस्टर से बात नहीं कर रहे हो, एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो। निकालो अपना मोबाइल, जल्दी करो। तारिक सर ये मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेज दो, और मुझे इसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए। जी बेहतर है सर। सर वो कत्ल होने वाला आदमी कौन था? सर पता चला उसका कुछ? तुम नहीं जानते, वो अख्तर खान था, ड्रग डीलर जो हमें काफी अरसे से मतलूब था। ड्रग्स डीलर और हानिया, मगर कैसे सर? सर क्या मैं भी जेरे हिरासत हूँ? हानिया के घर वालों ने FIR में तुम्हें नामजद किया है, और हमें भी शक है तुम पर। तुम ऐसा करो कि अपना सर्विस कार्ड, पिस्टल और अपना बेल्ट जमा करा दो। तारिक सर इसे लॉकअप कर दो। सर मुझे एक मौका तो दिया जाए सर, बेगुनाही साबित करने का। मिलेगा तुम्हें मौका। आ जाएं। हानिया के घर वालों का कहना है कि अशरफ को हानिया पर शक कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और उसने इस सिलसिले में उसको कई दफा धमकियां भी दी थी। मंगनी की शाम वो घर नहीं लौटा, बल्कि अपने शकूक व शबात की तस्दीक के लिए वहीं पर छुप गया, और हानिया जब घर से दवाई लेने के लिए निकली तो अशरफ ने उसका पीछा किया, और अशरफ ने जब हानिया को एक गैर मर्द के साथ देखा तो वो गुस्से में आ गया, और इस गुस्से की हालत में उसने हानिया को कत्ल कर दिया। क्या इस बात की तस्दीक हुई है कि हानिया का वाकई में किसी के साथ अफेयर था, और हानिया एक गैंगस्टर के साथ गाड़ी में पाई गई है, इस बात की किसी ने तस्दीक की है कि हानिया का उस गैंगस्टर मकतूल अख्तर के साथ क्या ताल्लुक था? तो क्या मंगनी वाले दिन भी कोई ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से अशरफ को बहुत ज़्यादा शक हुआ था हानिया को, कि उसको इस कदर इस बात का यकीन था कि आज मंगनी के बाद हानिया ने डेफिनेटली किसी को मिलना है? तो अजीब सी बात है, अगर हानिया किसी और में इंटरेस्टेड थी तो फिर वो अशरफ के साथ क्यों मंगनी कर रही थी? मकतूल अख्तर एक बदनाम गैंगस्टर और ड्रग डीलर था, उसका हानिया जैसी मिडिल क्लास एक आम सी लड़की के साथ क्या ताल्लुक हो सकता था? तो फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाएं, चेक करें इन दोनों का कोई आपस में ताल्लुक था, कोई कम्युनिकेशन थी, रबता था। कहीं हानिया बदकिस्मती से बुरे हालात का निशाना तो नहीं बनी? कि अगर वो वाकई में घर से दवाई लेने निकली थी, क्या रास्ते में उसे अख्तर ने किडनैप किया है या उसने अख्तर से लिफ्ट मांगी थी? इस बात का जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मुलजिम अशरफ की जो सर्विस रिवॉल्वर है उसको चेक किया है कि क्या उसे वाकई में कोई फायर किया गया था या नहीं?
अशरफ की रिवाल्वर हमने चेक करवाई है, लेकिन उससे कोई फायर नहीं किया गया। हमें तो यही लगता है कि उसने किराए पे पिस्टल लेकर उसको इस्तेमाल किया। देखें, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस वारदात में दो लोग मुलव्वस हैं। बाइक पर दो लोग आए जिन्होंने फायरिंग की थी। अब अशरफ के साथ उसका साथी कौन था ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैडम, कत्ल 10 बजे हुआ और फिर अशरफ 9:30 बजे तक उसी लोकेशन पर था जहाँ पर यह वारदात हुई, लेकिन फिर उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। सेलफोन तो बंद हो गया, मगर मुलजम अशरफ के सेलफोन के रिकॉर्ड्स निकलवाएं, उसके इस बयान की तस्दीक करें कि वाकई में उसको किसी अननोन नंबर से कॉल आई थी, क्योंकि वो तो कह रहा है कि खुद उसको कोई धमकियां दे रहा था कि हानिया से ताल्लुक़ ख़त्म करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात को तो कन्फर्म करें कि मुलजम के बयान में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी तक वो आप लोगों के सामने इकरार नहीं कर रहा कि उसने शूट किया उसे, हालांकि बाकी सारी बातों को वो मान रहा है कि उसे शक था अपनी मंगेतर को। और हानिया की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अभी तक या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। हमें यकीन है कि कल तक हुआ होगा। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? अरे तो कहाँ जाएं, किसका दर खट रखा है? तुमने याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि हानिया मेरी अमानत है और तुम लोगों ने अमानत में खयानत की है। तुमने और तुम्हारे बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे बेटे ने नकब लगा के हमारा कुल सरमाया लूट लिया है। अरे क्या, जब से आइए बोले चली जा रही है, क्या हो गया? तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। जानती नहीं हो तुम लोग अशरफ कितनी मोहब्बत करता था हानिया से। जब से आइए चौचा चौचा चौक किए चली जा रही। मोहब्बत? वो जुनूनी शख्स मोहब्बत का मतलब जानता ही नहीं। वो सिर्फ एक कातिल है, कातिल। और हमारी गलती थी कि तुम लोगों पर एतबार किया। अरे जबान को लगाम दे इसकी, जो मुंह में चला है बोले चला जा रहा है। तुम अपनी जबान को लगाम दो। अरे तुम्हारे बेटे की वजह से हम दर दर के भिखारी हो गए, भीख मांगने की नौबत आ गई है हमारी। अरे तो अल्लाह गारत कर दे तुम्हारे बेटे को, नाबूद कर दे, छत गिरा दे तुम्हारे बेटे पे। अरे सुन, अगर तुझे ज्यादा ही शौक है ना भीख मांगने का, तो जा जाके बैठ जाती नट्टी की मजार पे, बहुत पैसा जमा हो जाएगा तेरे पास। तुझे पैसे की फिक्र है ना, मेरे बच्चे की फिक्र नहीं है तुझे, जो जेल काट रहा है बिना वजह में इल्जाम लगाने के लिए चली आई मेरे सर पे। मेरे तो इतनी लाएगी तू मेरी अंगूठी, ना निकालो अंगूठी। मैं तुम्हारी अंगूठी लिए लिए नहीं फिर रही हूँ कि तुम्हारी अंगूठी तुम्हें वापस कर दूँ। बातें सुनाना तुझे याद रहा, अंगूठी लाना याद नहीं रहा। एक सेकंड, अभी निकाल अंगूठी उनकी, वापस कर। क्या कर रही है वो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे बेटे को। अभी तक कुछ किया नहीं है मैंने, चलो अंगूठी वापस करो उनकी। छोड़ दे, हमने तो अल्लाह पे छोड़ा अपना मामला। पहले ही उसकी बहन मर गई है, पहले ही वो गम में है, ये गम नजर आ रहे हैं इन लोगों के। चल भाई चल, घर जाके गम मना। चल चलो भाई चलो, आप भी निकलो। चलो आइंदा आना तो अंगूठी लेकर आना। अरे खाला बिल्कुल टेंशन मत लो, तो क्यों परेशान हो रही हो, खामा खामे इनके चक्करों में आ रही हो। बेटा तू तो जानता है अशरफ जेल में पड़ा हुआ है, नौकरी उसकी चली गई, ये और आ गए मेरे दिमाग पे। अरे खाला फिक्र मत करो, लगे हुए हैं अशरफ, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे और आपके दरमियान होगा वो। और वो तो अच्छा हुआ है कि तुमने कोल्हापुरी चप्पल से इसको गंजा नहीं किया, भाई पहले कितनी औरतों को गंजा कर चुकी हो तुम। अरे वो तो बच गई, ये तो दिल चढ़ा उतार के गंजा करके भेजू उसको। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाओ आराम करो अंदर। चल बेटा छुट लिया तेरा, जब भी आएंगे देख लियो तू। मैं देख लूंगा अशरफ के ना होने से। इंस्पेक्टर साहब, आपको एक अपडेट देनी थी कि अशरफ ने जो अपने बयान में कहा था कि उसको एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, तो वो शहरयार ने आईटी टीम के साथ बैठकर उस नंबर को ट्रेस कर लिया है। किसी आदमी ने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए अशरफ को ये कॉल की थी ताकि उसका नंबर ट्रेस ना हो सके, लेकिन बहरहाल आईटी टीम ने इस आदमी को ट्रैक कर लिया है। मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको भिजवा रही हूँ, आप ज़रा इस इंसान से पूछगछ करें कि वो क्यों धमकियाँ देता रहा है अशरफ को। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फर्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फर्द की जान को शदीद खतरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। तो तुमने वो कॉल की थी, अशरफ को हानिया के खिलाफ तुमने भड़काया है।
जी सर, मगर मेरी नीयत नेक थी सर। मैं तो सिर्फ हानिया को अशरफ से दूर करना चाहता था ताकि पुराना वाला अशरफ फिर से वापस आ जाए। देखो जाहिद, अगर कानून के मुहाफ़िज़ ये ऐसी हरकतें करने लगेंगे ना तो कानून शिकनों से हम क्या उम्मीद रखेंगे। और तुम्हारी इस अहमकाना हरकत ने उस मासूम की जान ले ली, तुम्हें इस चीज का पता है? सॉरी सर, मगर सर ये कत्ल अशरफ नहीं किया सर। सर मैं उसके शूटिंग स्टाइल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, ये तरीका उसका नहीं है सर। ये कत्ल किसी और ने किया सर। वो लड़की वो सिर्फ पागल बना रही थी सर, वो एक नंबर की शातिर लड़की थी सर। वो उसके झूठी मोहब्बत के जाल में धंसता चला गया सर। ये नफरत, मुझे तो लगता है कि अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम अपने इन हाथों से उस लड़की को कत्ल कर देते। अभी तक की जितनी भी तफ्तीश हुई है उससे तो अब यही बात साबित होती नजर आ रही है कि इस कत्ल की वारदात का हानिया से नहीं बल्कि मकतूल अख्तर के साथ ज़्यादा ताल्लुक था। बिल्कुल मैडम, आप ठीक कह रही हैं। मैंने अख्तर खान के मुतालिक पूछगछ की थी। उसकी दुश्मनी कोई शमशाद बादल ग्रुप से थी जो कि अब अंडरग्राउंड हो गया, और उसके जितने भी कारिंदे थे वो सब बैरून मुल्क फरार हो गए। किसी भी बड़ी कार्रवाई के बाद इस तरह की गैंग्स का अंडरग्राउंड होना उनकी सिग्नेचर नहीं थी। लेकिन फिर भी बुनियादी सवाल तो यही है कि उस रात हानिया अख्तर की गाड़ी तक कैसे पहुंची? क्योंकि अगर दोनों का अभी तक ताल्लुक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा तो क्या वो किडनैप हुई थी, ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया गया, कुछ फ़ोन रिकॉर्ड से मालूम हुआ? नहीं मैडम, दोनों के मैंने फ़ोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए लेकिन कुछ खास नहीं मिला। क्योंकि मकतूला की वालिदा का तो यही कहना था ना कि हानिया उस रात मेडिसिन लेने के लिए घर से निकली थी। अब इसके घर के आसपास जितनी भी फार्मेसीज थी वो तो बिल्कुल मुखालिफ सिमत में हैं, और ये जिस गाड़ी में पाई गई है और गाड़ी जिस सिमत में जा रही थी उस रूट पर तो कोई भी फार्मेसीज नहीं थी। तो सवाल तो यही पैदा होता है ना कि इतनी रात को एक अजनबी के साथ ये कहाँ पर जा रही थी, और वो भी एक ड्रग डीलर, और फिर इसके पर्स में उस वक्त 30,000 रुपये मौजूद थे। अब देखिए मैडम, ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि एक औरत मेडिसिन लेने के लिए इतनी रात को इतनी बड़ी रकम लेके क्यों निकलेगी? 30,000 की रकम एक अच्छी बड़ी अमाउंट होती है। रात को इस तरह इतनी बड़ी अमाउंट कैरी करना, अकेले आप घर से निकले हो और इतने की तो दवाई नहीं थी, फिर इतनी अमाउंट उसके पास क्यों मौजूद थी? और फिर कितने कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से इसका ताल्लुक है, एक अजनबी से ये किस तरह से लिफ्ट ले सकती थी? किडनैपिंग के भी कोई शवाहद हमें नहीं मिले, और अख्तर और हानिया के दरमियान कोई ताल्लुक भी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो सका। लेकिन मुझे अभी भी शक है, इतने सारे पैसे इसके पास थे, एक ड्रग डीलर की लाश के साथ इसकी लाश मिली है, दोनों पर फायरिंग की गई है, कि ताने बाने किसी ड्रग माफिया के साथ ही मिलते हैं, और हानिया का भी अब मुझे शक हो रहा है कि इस ड्रग माफिया से ताल्लुक ज़रूर इस्टेब्लिश होगा। यानी मैडम, आपके कहने का मतलब है कि हानिया ड्रग सप्लायर का किरदार अदा कर रही थी? ये बहुत वसूख से तो ये बात मैं नहीं कह सकती, लेकिन शक तो बहरहाल हो रहा है। और इस किस्म की गैंग्स अमूमन ऐसे ही यंगस्टर्स को इस्तेमाल करती हैं ड्रग्स बेचने के लिए। देखो, हम अभी तक हानिया का अख्तर के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए दोनों के सेलफोन रिकॉर्ड में एक दूसरे का नंबर ढूंढ रहे थे, इस वजह से वो ताल्लुक इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था। ये भी तो मुमकिन है कि हानिया के ज़रिए इस्तेमाल कोई और सिम भी हो। अख्तर के फ़ोन रिकॉर्ड का एक मरतबा फिर से जायज़ा लो और देखो कि कौन से नंबर पर उसकी पिछले एक हफ्ते में खासतौर पर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई है। हो सकता है उससे हमें कुछ भी मिल जाए। हेलो शमशाद भाई, वसीम बुलेट बात कर रहा हूँ। बॉस, पुलिस पागलों की तरह गैंग के लड़कों को ढूंढ रही है, आज नहीं तो कल मैं और नासिर कल्लू भी उनकी गिरफ्त में आ जाएंगे। कुछ करो भाई, वरना सब मारे जाएंगे। अबे मारे जाएंगे नहीं, मारे गए, पुलिस आ रही है, भाग। क्या किया हमने? छोड़ो। हमने साहब, हमने आपकी निशानदेही पर
शाद बादल ग्रुप के दो अहम टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने अख्तर खान पर कातलाना हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। मुझे तो ये जाती दुश्मनी का ही नतीजा लगती है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, एक अपडेट हमने भी आपको देनी थी, बहुत अहम क्लू मिला है। अख्तर खान के हमने जब सेलफोन रिकॉर्ड का बहुत तफसीलन जायजा लिया तो हमें मालूम हुआ कि अख्तर खान के सेलफोन रिकॉर्ड्स में एक नंबर ऐसा भी है जिसके साथ अख्तर बहुत कॉन्स्टेंटली रबते में था और वो नंबर हानिया की फैमिली के एक फर्द के नाम रजिस्टर्ड है। वो नंबर किसके नाम पर है? हानिया के वालिद नूर नबी। सिम मुल्तान में खरीदी गई थी लेकिन अभी पिछले कुछ महीने से कराची में एक्टिव। हम हानिया के कातिलों तक पहुंच गए। ये कत्ल अशरफ ने नहीं बल्कि अख्तर खान के दुश्मन गैंग ने किया जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं तो पहले ही जानती थी अशरफ बेगुनाह है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। शुक्र है कातिलों का चेहरा बेनकाब हुआ। कातिल तो बेनकाब हो गए लेकिन अभी भी कुछ मुल्जिमान हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है। कौन? कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? हम उनकी बात कर रहे हैं जो अख्तर खान के साथ मिलकर नौजवानों की रगों में मनुष्यात का जहर घोल रहे थे और हानिया भी उन्हीं में से थी। हानिया की शराफत और नौकरी महज एक ढोंग था। आपको शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। अरे, मेरी मरी हुई बच्ची पे झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म तो आप दोनों को आनी चाहिए। सिर्फ हानिया ही नहीं, इस जुर्म में आप दोनों भी बराबर के मुलव्वस हो। क्या क्या सबूत है आपके पास? सबूत? हानिया की कार में मौजूदगी, पर्स में भारी रकम और फिर वो तुम्हारे बाप के नाम रजिस्टर्ड सिम जिससे तुम लोग 6 माह तक अख्तर खान से मुसलसल रबते में रहे। अब तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपना गुनाह कबूल कर लो वरना लॉकअप में तो बड़े बड़े फार फार बोलने लगते हैं। बोलो। जी जी इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ मेरे शौहर के इंतकाल के बाद हमारे माली हालात बहुत खराब हो गए थे। हम मुल्तान से कराची आए और अख्तर के गैंग में शामिल हो गए। हमें अख्तर ने बताया कि मंशियात के धंधे में रकम ज्यादा और खतरा कम होता है और अख्तर के कहने पर ही हानिया बाजी ने अब अशरफ को अपने जाल में फंसाया ताकि हमारे जराइम को कानून की ढाल मिल सके। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक हमारे मुखालिफ गैंग ने हमला कर दिया और सब कुछ मलियामेट कर दिया। अफसोस, सद अफसोस, पैसों की खातर तुम लोगों ने हजारों खानदानों के नौजवानों की रगों में जहर घोला और उनकी जिंदगी तबाह कर दी। इसकी एक ही सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। ले चलो इन्हें। चलो वकला के दलाइल और पेश करदा शवायद ये साबित करते हैं कि हानिया और अख्तर खान का कत्ल दरअसल दुश्मनी और गैंगवॉर का शाख्साना था। इस वारदात से सब इंस्पेक्टर अशरफ का कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा ये अदालत उसे बाइज्जत बरी करते हुए मुलाजमत पर बहाल करती है। साथ ही पुलिस को हिदायत करती है कि इस केस में गिरफ्तार मुलजिमान शमशाद, वसी बुलेट, नासिर कल्लू और उनके दीगर साथियों के खिलाफ चालान तैयार करके आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@summer.tv।